हेलो भाई, और राम राम। मैं हूँ रामदीन सैनी। आज हम राजस्थान के अंदर जैसलमेर सम के अंदर हैं। यहाँ पे आज हम बोरल करेंगे, बोरल मशीन लेके आएंगे यहाँ पे और बोरल करेंगे। ये देखिए, आज ये हमारा रोटरी मशीन की कैंपर है साथ में, जो साथ में रहती है मशीन के, और मशीन अभी पहुँचने वाली है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कैसे पहुँचेगी कैसे नहीं पहुँचेगी, रास्ते का पूरा नज़ारा देख सकते हैं आप, आपको दिखाएंगे। ये देखिए, हमारी रोटरी मशीन फतेहगढ़ से रवाना हो चुकी हैं और अब हम सीधे सम निकलेंगे। सम के लिए रवाना हो चुके हैं। ये देखिए आप, रास्ते पे जा रही है हमारी रोटरी मशीन आगे आगे, और पीछे पीछे हम चल रहे हैं कैंपर लेके। ये देखिए आप, रास्ते का नज़ारा बहुत ही शानदार नज़ारा है, आप देख सकते हो। ये देखिए आप, और भी आगे आप जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। आप सम के अंदर कैसे बोरल होता है कैसे नहीं होता है वो भी आपको बताएंगे, सब जानकारी आपको बताएंगे। वहाँ पे हम 700 फीट का ऑर्डर लिया हुआ है, तो 700 फीट बोरल करेंगे वहाँ पे। और हमारी ये देखिए रोटरी मशीन है, ये निकल चुके हैं यहाँ से फतेहगढ़ से अंदर से, और ये देखिए रास्ते के अंदर है हम और जा रहे हैं। ये देखिए आप, हम कैंपर साइड में लगा चुके हैं। अभी हमारे यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर और हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, चाय पानी और खाना ना बनाएंगे, यहाँ पे खाना ना खाएंगे, फिर यहाँ से सम के लिए रवाना होएंगे। ये हमारे यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर और सम बचा हुआ है, तो हम पहले यहाँ पे नाश्ता पानी करेंगे, खाना ना खाएंगे, फिर यहाँ से ये सीधा रास्ता सम के लिए निकलता है, तो हम सीधा सम जाएंगे। वहाँ का भी पूरा नज़ारा दिखाएंगे आपको कैसे है, वहाँ पे थोड़ा बहुत घूम के भी बताएंगे आपको। वहाँ पे एक दिन रेस्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन ट्यूबवेल मशीन लगाएंगे। अभी हम यहाँ पे ये देखिए आप, बैंगन की सब्जी बना रहे हैं और चाय बनाएंगे। ये देखिए आप, खाना बनाएंगे, फिर यहाँ पे खा के घंटा भर रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से वापस फिर रवाना रहेंगे। ये देखिए आप, सब्जी बन गई है, अब रोटी बन रही है, और रोटी बन रही है हमारे बन्ना रोटी बना रहे हैं। ये देखिए आप, बन्ना बीकानेर के हैं और रोटी भी अच्छी तरह से बना लेते हैं। ये हमारी मशीन है सनी बोरवेल, और ये हमारे स्टाफ हैं, सब बैठे हैं रेस्ट कर रहे हैं। ये हमारी कैंपर है, ये देखिए आप कैंपर है, और देखिए आप कितनी अच्छी रोटी बना लेते हैं बन्ना। और ये देखिए आप, एक डॉग बैठा है, बैठा हुआ है। कन्नौज गाँव 15 किलोमीटर है, दामोदरा है 0 किलोमीटर है, दामोदरा में बैठे हैं हम। और यहाँ से ये सम जाता है रास्ता, यहाँ से 25 किलोमीटर सम दूर है, और यहाँ से हम वापस खाना पी के रेडी होकर सम के लिए रवाना हो चुके हैं। ये देखिए सम का नज़ारा देख सकते हैं आप, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सम का, टूरिस्ट लोग आने का। ये देखिए आप, कैब पे पड़ी है, कारें पड़ी है, वो जगह कैब पे लगी हुई है, और देखिए आप कैमल लगा, ऊँट की सवारी करना तो यहाँ पर रुके आप, ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। हम रुकेंगे, आपको बताएंगे, ऊँट की सवारी करके भी दिखाएंगे। ये देखिए आप, अब यहाँ साइड में लगाते हैं गाड़ी, और फिर हम आपको ऊँट की भी सवारी करके दिखाएंगे, और उसके बाद हमारी मशीन आएगी पीछे। जब तक हम यहाँ पे थोड़ा राउंडिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और जब तक वो गाड़ी आ जाएगी, और देखिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपको यहाँ का नज़ारा देखा सकते हैं। आप देख सकते हैं सम का है, राजस्थान के अंदर जैसलमेर ज़िला के अंदर है सम गाँव, जहाँ पर रेगिस्तान का टीले और घूमने की अच्छी जगह हैं। ये देखिए आप, अब हम नीचे उतरेंगे और ऊँट की थोड़ी सवारी करेंगे, टिल्लों के अंदर जो ये रेत का टिल्ला लगा हुआ है उसके अंदर जाएंगे। देखिए आप, अभी ऊँट के ऊपर चढ़ गए हैं हम। ये देखिए आप, काको हमको घुमा कर लेके आएंगे पूरे अंदर। देखिए आप, पूरे का सारा नज़ारा दिखाएंगे आपको। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार जगह है, यहाँ पर ठंड के लायक है, जो ठंड में यहाँ पर पूरा ये प्रोग्राम रहता है, बाकी
सर्दी में ही रहता है, बाकी उन्होंने आपको गर्मी के टाइम यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए आप, हम जा रहे हैं रेगिस्तान के अंदर, और ये देखिए आप नज़ारा यहाँ का, बहुत ही शानदार नज़ारा है, आप देख सकते हो। ये ग्राउंड पैराशूट का भी हो जाए, पैराशूट का भी ग्राउंड ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा नाइट प्रोग्राम करेंगे, नाइट प्रोग्राम में रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से वापस रवाना हो जाएंगे। ये देखिए नाइट प्रोग्राम हो रहा है हमारा, इसलिए हम ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, कॉपी रेटिंग में आ जाता है, इसलिए हम थोड़ा दिखाएंगे आपको। अभी नाइट का प्रोग्राम देख सकते हैं आप, उसके बाद सुबह हम मशीन लेके यहाँ से वापस फिर से रवाना हो जाएंगे, और गाड़ी हमारी यहाँ से अब वापस स्टार्ट कर दिए, और यहाँ समसे अंदर से आगे गाँव है 2 किलोमीटर, वहाँ पर हम बोरवेल मशीन लगाएंगे, खेत के अंदर जाएंगे और वहाँ पे मशीन लगाएंगे। यहाँ ये देखिए सम का नज़ारा देख सकते हो आप, और ये पीछे हमारी मशीन आ चुकी है, देखिए यहाँ से रवाना हो चुकी हैं आप सम के अंदर से, ये देखिए आप निकल चुके हैं, हमारी कैंपर पड़ी हुई है, ये देखिए हमारी मशीन निकल चुकी है, जा रही है, और अब हम इसके पीछे जाएंगे, आपको नज़ारा भी दिखाएंगे यहाँ का सम का। ये देखिए अब मशीन निकल चुकी है और हम पीछे जा रहे हैं, यहाँ का नज़ारा देख सकते हो आप, बहुत ही शानदार नज़ारा है। अभी थोड़ी सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हम धीरे धीरे जाएंगे आराम से, थोड़ा फॉग भी है इसलिए हम धीरे धीरे जाएंगे। देखिए अब नज़ारा भी बहुत शानदार, अभी यहाँ पीछे खेत हैं, वहाँ खेतों के अंदर जाएंगे, ये देखिए आप ये देख सकते हो आप, बहुत ही अभी यहाँ पे भी टेंट लगा हुआ है सम का, जो ये देखिए आप टेंट लगा हुआ है, जो टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे रुकते हैं, नाइट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, आप देख सकते हो ये भी यहाँ भी लगा हुआ है, तो इसके सामने ही हम जाएंगे वहाँ पे हम थोड़ी। ये देखिए गाड़ी आप पॉइंट के ऊपर पहुँच चुकी है, और यहाँ पे सेट कर रहे हैं गाड़ी, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, यहाँ से पूछेंगे, यहाँ पे फिर ब्रेक देंगे गाड़ी, ये वो बोल रहे हैं पीछे डाल जाने दो, पीछे लगाएंगे, पीछे पॉइंट करना है, वो डीपी पड़ी उसके पास ही पॉइंट करना है हमको। ये देखिए गाड़ी ब्रेक लगा रहे हैं, हमारे तुलसा राम जी ऑपरेटर हैं मशीन के, जो अभी ब्रेक लगा रहे हैं गाड़ी को, बहुत ही शानदार तरीके से चलाते हैं गाड़ी। ये देखिए आप देख सकते हो आप, गाड़ी पॉइंट के ऊपर पीछे लग रही, ब्रेक लग रही है, और उसके बाद हमारा ऊपर सामान लगा हुआ है, पूरा सामान नीचे उतारेंगे और टेंट लगाएंगे, फिर आपको पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में अंदर मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो हम ये वीडियो यहीं एंड करेंगे, ये देख के आप यहीं एंड करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी कैसे खुदाई होती है बोरवेल की वो बताएंगे। ये हमारे तुलसीराम जी ऑपरेटर है मशीन के, यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर लाइन गई हुई है तो यहाँ मशीन नहीं लगेगी, थोड़ा आगे लगाना पड़ेगा मशीन को, ये बोल रहे हैं। ये देखिए आप, तो यहाँ पे हम गाड़ी यहाँ पे ये तुलसीराम जी बोल रहे हैं ये साइड में गाड़ी लगाएंगे, तो हम गाड़ी को वापस आगे लेंगे और ब्रेक लगाएंगे, बाकी आपको जो भी है टेंट लगाएंगे उसके अंदर कैसे रहेंगे, कैसे बोरल होएगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। जब तक आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद। दादा मोटे दिला।